हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक कर्व ट्रेसिंग आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कर्व ट्रेसिंग इन कार्टीशन फॉर्म अगर कर्व की क्वेश्चन कार्टिशन फॉम है इट मीनस एक्स एंड वाई की फॉर्म में है तो उस कर्व को हम ट्रेस कैसे करते हैं उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं किन के बेसिस पर हम कर्व को ट्रेस कर सकते हैं वो रूल्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर कर्व ट्रेसिंग के लिए कुछ रूल्स हैं जिनमें से रूल क्या है वो स्टेप वाइज मैं डिस्कस करूँगा विथ एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले रूल फॉर कर्व ट्रेसिंग क्या है तो टू ट्रेस ए कर्व इन कार्टिशन फॉर्म वी यूज फॉलोइंग फैक्ट्स हम नीचे ये जो रूल्स हैं या फैक्ट्स हैं इनको यूज़ करेंगे जिनके बेसिस पर हम कर्व को ट्रेस कर पाएंगे पहला है सिमेट्री फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री 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 जो कर्व की इक्वेशन में पॉसिबल हो सकती है देर आर फोर टाइप्स ऑफ सिमेट्री फर्स्ट वन इज अबाउट वाई एक्सिस कर्व जो भी कीवन है उसकी इक्वेशन से हमें सारी इक्वेशन को देखकर कर्व की इक्वेशन को देखकर सारी उसकी जो नेचर है उन सब को आइडेंटिफाई करना है रूल्स के बेसिस पर जब फिर वो सारे रूल्स के बेसिस पर हमें कुछ फैक्ट्स उसके बारे में पता लग जाएंगे तो हम कर्व को ईजिली ट्रेस कर पाएंगे तो एक, -एक करके हम वो रूल्स डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले सीमेट्री है सीमेट्री में फर्स्ट टाइप की सीमेट्री है अबाउट वाई एक्सेस तो कर्व जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा वो कैसे हमें कन्फर्म होगा सिर्फ इक्वेशन देख कर उसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक है इफ x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें कर्व की इक्वेशन में हम x को रिप्लेस करें किससे से माइनस एक्स से और इक्वेशन डज नॉट चेंज कर्व की इक्वेशन एज इट इज बनी रहे देन देयर विल बी सिमेट्री अबाउट y एक्सिस उस केस में सिमेट्री होगी किसके अबाउट y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर्व की सिमेट्री होगी फॉर एक्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी ड्रॉ डिस्कस किया यहाँ पर मान लीजिए कर्व की हम बात करते हैं तो एक्स स्क्ल टू फोर ए वाई कर्फ की इक्वेशन में अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x की प्लेस पर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू फोर ए वाई और माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर बन जाएगा मिस इक्वेशन एज इट इज एक्स स्क्ल टू फोर ए वाई जो थी एज इट इज वही बन जा रही है इक्वेशन रिमेन्स सेम यानी कि कोई चेंज नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है does not change देन देयर विल भी सीमेट्री अबाउट वाई एक्सेस तो इसलिए यहां से कंफर्म हो रहा है इक्वेशन देख कर ही कि कर विज सीमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस यहां पर हम इसको जानते भी हैं ये किसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वाजिकल टू फोर ए वाई पैराबोला की इक्वेशन होती है जो कि इस तरीके से ट्रेस होता है और आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर ये पैराबोला जो ट्रेस आउट होता है ये वाई एक्सिस के अबाउट सीमेट्रिकल होता है इट मीन्स वाई वाई एक्सिस मिररर का काम करेगी सीमेट्री मींस मिररर का काम करेगी तो वाई एक्सिस मिररर का काम करेगी इस इट मीन्स जैसा राइट वाई एक्सिस के राइट साइड बनेगी उसकी मिरर इमेज लेफ्ट साइड बन जाएगी तो यहां से हमें सिमेट्री के बारे में कंफर्म हो जाएगा ठीक है तो सिमेट्री बस इस बात का आइडिया दे देती है कि अगर हम हाफ पार्ट में कर्व को ट्रेस कर लेते हैं तो उसकी मिरर इमेज हम दूसरे हाफ में उसकी बना सकते हैं तो सिमेट्री से यह बेनिफिट होगा नेक्स्ट फिर अबाउट एक्स एक्सिस तो कर्व की सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट होगी ये हम कैसे चेक करेंगे कर्व की इक्वेशन को देखकर तो अगर हम कर्व की इक्वेशन में वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं वाई को चेंज करते हैं माइनस वाई से जहाँ जहां पर भी कर्व की इक्वेशन में वाई दिख रहा है तो और इक्वेशन डज नॉट चेंज एंड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता तो उस केस में देन देयर विल बी सिमेट्री अबाउट axis तो उस केस में कर्व सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट एक्सएक्सिस के अगर वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता example के लिए वाई स्क्वायर रिजिगल टू फोर एक्स अगर हम बात करें तो इस कर्व में अगर मैं वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करता हूँ रिप्लेसिंग वाई टू माइनस वाई वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो यहां पर माइनस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू फोर ए एक्स आ जाएगा और हम देख रहे हैं माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से वो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इट मीनस वाई स्क्वायर इजिकल टू फो एक्स अगेन एज इट इज इक्वेशन जैसी थी वैसी बन गई इक्वेशन रिमेन्स सेम तो इस रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन डज नॉट चेंज देन देयर विल बी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्स तो इसलिए हमें पता लग रहा है कि सिमेट्री किसके अबाउट होगी एक्स एक्सिस के अबाउट तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट ये जो कर्व था वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर ए एक्स इसका अगर हम डायग्राम देखें आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री बन रही है क्योंकि एक्स एक्सिस मिरर का काम कर रही है जैसा कि कर्व ऊपर बन रहा है उसकी मिरर इमेज नीचे बन रही है इट मींस ये सिमेट्रिकल हुआ एक्स एक्सिस के अबाउट ये तो हमें डायग्राम देख पता लगा पर एग्जाम में जब जब भी कर्व ट्रेस करने को कहेगा तो उसमें हमें डायग्राम नहीं दिया होगा ट्रेस करना होगा ये इक्वेशन से ही हमें ये बात क्लियर हो जा रही है कि वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर इक्वेशन एज इट इज रही है इसलिए सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट ये तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ जब ट्रेसिंग करेंगे तो सारी बातों को एक एक करके देखेंगे यहां से आपको इक्वेशन बस पहचानना है है कि कैसे पता लग रही है। तो वो मैंने आपको बता दिया अब नेक्स्ट देखते हैं दो टाइप की सिमेट्री हम देख चुके हैं सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस अभी नेक्स्ट सिमेट्री हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो कर्व सिमेट्रिकल होगा अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर कर्व की इक्वेशन में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें एंड वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करें और दोनों ही काम साइमल्टेनियसली करने हैं मतलब एक साथ कर्व की इक्वेशन में उसी समय पर एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है वाई की प्लेस पर माइनस वाई भी सेम टाइम पर रखना है तो इक्वेशन डज नॉट चेंज अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती है देन देयर विल भी देन देयर विल भी सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट तो कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री रखेगा एग्जाम्पल के लिए आप यहां देख सकते हैं ये कर्व की इक्वेशन मैंने लिए एक्स वाई इजिकल टू सी स्क्वायर इस इक्वेशन में अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या सीमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट में है या नहीं तो रफली हम एक्स की जगह पर माइनस एक्स और वाई की प्लेस पर माइनस वाई रिप्लेस करके देख लेते हैं तो एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रखा सेम टाइम वाई की प्लेस पर माइनस वाई भी रखा तो इक्वेशन देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस ये अगेन एक्स वाई इजिकल टू सी ही बन जा रही है सी स्क्वायर ही बन जा रही है जैसी थी तो इक्वेशन रिमेंस सेम तो इस रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन सेम रहेगी तो इक्वेशन डू नॉट चेंज Does not change, then there will be symmetry about opposite quadrant. तो इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा equation as it is आ रही है तो देयर इज सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट अब अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्री का मतलब क्या है मीन्स जैसा कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा उसकी मिरर इमेज सेकेंड क्वाड्रेंट में बन जाएगी या जैसा अगर एग्जिस्ट करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो उसकी मिरर इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगी तो आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा एक्स वाई इजिकल टू सी स्क्वायर ये इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तो ये ट्रेस करना हमने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है कि ये इस तरीके से ट्रेस होता है इस तरीके से इस तरीके से, इस तरीके से ट्रेस होता है और यहाँ पर आपको देख दिख रहा है कि सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट में बन रही है जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो इमेज बन रही है उसकी मिरर इमेज कहाँ बन रही है थर्ड uh, क्वाड्रेंट में जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में बन रही है तो हम ये ग्राफ ड्रॉ करके देख पा रहे हैं पर यहाँ पर हमें इक्वेशन से ही कंफर्म हो गया था ऐसा होने वाला है कैसे कि एक्स को माइनस एक्स और वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो रूल के अकॉर्डिंग अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री बनेगी नेक्स्ट स्टूडेंट्स टाइप की सिमेट्री होती है सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्री फोर्थ टाइप की सिमेट्री है इसमें यह कैसे चेक होगा कि अगर x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें कर्व की इक्वेशन में x की प्लेस पर y और y की प्लेस पर x रिप्लेस करने पर इक्वेशन रिमेन सेम इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है परिवर्तन नहीं आता है देन देर विल बी सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन तो कर्व सिमेट्रिकल होगा y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अब ये कैसे कन्फर्म हो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक्स वाई इज टू सी स्क्वायर एक मैंने कर्व लिया अगर इसमें मैं x को y से और साथ ही साथ y को x से दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो इक्वेशन क्या आएगी x की प्लेस पर यहाँ y आ जाएगा और यहाँ y की प्लेस पर x आ जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर और हम जानते हैं प्रोडक्ट कम्यूट करती है दैट मीन्स y इंटू एक्स को हम वापस x इंटू वाई भी लिख सकते हैं तो एक्स वाई इजिकल टू सी स्क्वायर बन रहा है अगेन इक्वेशन क्या बन रही है एज इट इज जैसी थी वही आ जा रही है तो इक्वेशन रिमेन्स सेम तो यहां से इस रूल के अकॉर्डिंग हमें कन्फर्म हो गया कि इक्वेशन रिमेन्स सेम देन देयर विल बी सिमेट्री अबाउट वाई एक्स इक्वल टू एक्स लाइन इसलिए सिमेट्री वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट है अब अगर हम डायग्राम में देखें तो अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था ऊपर ये वही करवा एक्स वाई इजिकल टू सी स्क्वायर यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपर बोला और इसको हमने डिस्कस किया था ट्वेल्थ में इस तरीके से आप लोगों ने ट्रेसिंग इसकी डिस्कस की होगी स्टडी की होगी इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ट्रेस आउट होता है तो इसकी अगर हम देखें तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन जो ओरिजिन से पास होकर जाएगी और एक्स एक्सिस से फोर्टी फाइव के एंगल पर ये लाइन होगी वाई इक्वल टू एक्स लाइन इसके अबाउट मिरर ये मिरर का, का काम कर रही है यानी कि इसके लेफ्ट साइड में जैसी इमेज बन रही है जस्ट उसकी अपोजिट साइड में मिरर इमेज बन रही है तो इसका मतलब क्या है ये सिमेट्री बन रही है इससे बेनिफिट बस ये होगा स्टूडेंट कि आपको कर्व ट्रेस करने की जो टेंशन हंड्रेड परसेंट होती है पूरे प्लेन के अंदर ड्रॉ होना वो फिफ्टी परसेंट हो जाएगी क्योंकि सिमेट्री की हेल्प से अगर हम इतने पार्ट में अगर ड्रॉ कर पाएंगे एक साइड में तो उसकी मिरर इमेज हम दूसरी साइड बना लेंगे यानी कि हाफ़ टेंशन हो जाएगी हाफ जो टेंशन है प्लेन में ड्रॉ करने की कर्व की बचेगी हमारे पास ठीक है तो टोटल हमने फोर टाइप की सिमेट्री पढ़ी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सेस सिमेट्री अबाउट वाई एक्सेस सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट एंड सिमेट्री अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन स्टूडेंट फिर नेक्स्ट फैक्ट जो है कर्व को ट्रेस करने के लिए जो यूज होने वाला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर एट ओरिजन कर् का नेचर एट ओरिजन पर यानी कि ओरिजन पर कर्व कैसी शेप में बनेगा वो हमें अगर चेक करना है नेचर चेक करना है तो उसके लिए क्या है ये पॉइंट काम आएगा उसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले फर्स्ट चेक ओरिजन जीरो कौमा जीरो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या जीरो कॉमा जीरो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इट मींस एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो रखने पर कर्व की इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए अगर इक्वल आ रही है दैट मीन्स कर्व ओरिजिन से पास होकर जा रहा है ओरिजिन से सेटिस्फाई कर रहा है इफ़ यस yes, अगर सेटिस्फाई करता है देन वी हैव टू चेक द नेचर ऑफ कर्व एट ओरिजिन उस केस में हमें कर्व का ओरिजिन पर नेचर चेक करना पड़ेगा कैसा शेप बन रहा है उसको कैसे चेक करेंगे बाय फाइंडिंग द टेंजेंट एट ओरिजिन उसके लिए हमें ओरिजिन जो इससे कर पास होकर जा रहा है तो उस पर ओरिजिन पर कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है उसके पास हमारे पास उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट एक तरीका तो यह है कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपने टेंथ में एलवंथ में पढ़ा होगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू वाई एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन ये फार्मूला पढ़ा होगा टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का उसके लिए एम आप डी वाई बाई डी एक्स करके सॉल्व करके निकालते थे एक्स वन वाई वन वो पॉइंट हो गया जहां पर हम चेक करें कि यानी कि ओरिजन जीरो जीरो तो इससे सॉल्व करना काफी लेंदी काम हो जाता है क्योंकि पहले डेरिवेटिव करो फिर उसके बाद स्लोप निकालो फिर उसके बाद इसमें रखो सॉल्व करके इक्वेशन निकालना टफ हो जाता है तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है यहां पर टू गेट द टेंजेंट एट ओरिजन ओरिजन पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अगर पता करनी है ध्यान रहे ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ओरिजन पर ही सॉल्व करने का मेथड है और किसी पॉइंट पर नहीं सॉल्व कर सकते इससे उसके लिए क्या करेंगे पुट लो

ओरिजन पर यानी कि लोएस्ट डिग्री टर्म की इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखकर तो उसमें दो पॉसिबल कंडीशंस है पहला ए कंडीशन है इफ देर आर टू डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजन अगर दो डिफरेंट टेंजेंट ओरिजन पर मिलती हैं डिफरेंट टेंजेंट एट ओरिजन मिलती हैं तो उस केस में ये वाला केस बनेगा डिफरेंट के लिए तो देर विल बी कर्व विल बी नोड शेप एट ओरिजन नोड शेप किसे कहते हैं नोड शेप मतलब इस तरीके से शेप बनेगी जैसे नोड होती है टाई की इस तरीके से इस तरीके से शेप बनेगी कहाँ पर ओरिजन पर यहाँ पर ओरिजन होगा क्योंकि इन इस वाली ब्रांच की वजह से एक टेंजेंट बनेगा यहाँ पर और इस ब्रांच की वजह से कर्व की एक टेंजेंट आएगा ओरिजन पर तो ये अगर ओरिजन है तो ओरिजन पर दोनों ब्रांचेस की वजह से दो डिफरेंट टेंजेंट बनेंगे और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में नोड शेप बनेगी तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्लियर होता है कि अगर ओरिजन पर कर्व की दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है और दोनों डिफरेंट तो कर्व नो नोड बनेगा और नोड हमेशा किसके बीच में बनेगा टेंजेंट लाइन के बीच में जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल टू थ्री ए एक्स वाई इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि क्या ओरिजिन जीरो जीरो इसे सेटिस्फाई करता है नेचर तो तभी चेक करेंगे ना तो एक्स जीरो वाई जीरो रखने पर लेफ्ट साइड से वैल्यू देखें तो जीरो क्यूब प्लस जीरो क्यूब टोटल जीरो आ जाएगा राइट right साइड में देखें तो एक्स जीरो वाई जीरो रखने पर ये भी जीरो आ जाएगा थ्री इंटू ए इंटू जीरो इंटू जीरो तो टोटल जीरो आ जाएगा यानी कि जीरो कोमा जीरो की इक्वेशन को सर्टिस्फाई कर रहा है अगर जीरो कोमा जीरो की इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है जीरो कॉमा जीरो कल्व की इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट तो इस पर हम कर्व का नेचर चेक करेंगे ओरिजन पर ओरिजन से कर्व पास होकर जा रहा है तो उसके लिए मैंने बताया कि सबसे पहले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजन तो टेंजेंट एट ओरिजन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे पुटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो तो कर्व की ये जो इक्वेशन है इसमें सबसे कम डिग्री टर्म को हम जीरो के इक्वल रख देंगे तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्स क्यूब ये थ्री डिग्री की टर्म है वाई क्यूब यह थ्री डिग्री की टर्म है और थ्री एक्स वाई ये कितने डिग्री की टर्म है ये टू डिग्री की टर्म है किसी भी टर्म की डिग्री देखनी है तो वेरिएबल की पावर्स को एड कर देते हैं तो यहाँ पर थ्री पावर है टोटल इस टर्म में थ्री पावर है और इस टर्म में वेरिएबल है एक्स और वाई और इनकी पावर वन वन है तो दोनों को ऐड कर देंगे टर्म की डिग्री टू आ जाएगी तो सबसे कम डिग्री की टर्म यानी कि लोएस्ट डिग्री टर्म को हमें जीरो रखना है ओरिजन पर टेंजेंट निकालने के लिए तो लोएस्ट डिग्री टर्म हमारी बनी क्या थ्री ए एक्स वाई उसको हमने जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो तो दो टेंजेंट पॉसिबल हैं एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन बनी टू डिफरेंट टेंजेंट मिले हमें x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो एट ओरिजन तो मैंने अभी डिस्कस किया कि जब भी ओरिजन पर दो डिफरेंट टेंजेंट बनेंगे टू डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मिलती हैं तो कर्व विल बी नोड एट ओरिजन यानी कि कर्व ओरिजन पर कैसा शेप बनेगा नोड शेप बनेगा नोड शेप बनेगा और नोड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है हमेशा बिटवीन द टेंजेंट जो हमारे टेंजेंट मिली है तो टेंजेंट कौन कौन सी मिली है एक एक्स इक्वल टू जीरो दैट मीन्स वाई एक्सिस और एक वाई इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स एक्सिस तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो शेप बनी है नोड शेप ये इस तरीके से बनी है ये नोड बनी है और ये दोनों ये नोड किसके बीच में बन रही है दोनों टेंजेंट यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक्स एक्सिस मतलब एक्स इक्वल वाई इक्वल टू जीरो और x एक्सिस y एक्सिस मतलब x इक्वल टू जीरो इन दोनों लाइनों के बीच में ये शेप बनेगी शेप इन्हीं के बीच में क्यों बनी क्योंकि यहाँ पर ओरिजन पर हमने देखे थे टेंजेंट दो आ रहे हैं तो ओरिजन कर्व जब हम ये वाली ब्रांच देखेंगे तो ये वाली ब्रांच की वजह से यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट बन रही है इस ब्रांच का ऊपर के कोरोस्पॉ ओरिजन पर टेंजेंट कौन बन रही है एक्स एक्सिस बन रही है ये देखिए एक ही पॉइंट पर टच करके जा रही है और ये वाली ब्रांच की वजह से अगर हम ध्यान से देखें तो वाई एक्सिस ओरिजन पर टेंजेंट बन रही है तो दो डिफरेंट टेंजेंट आ रहे हैं ओरिजन पर इस वजह से यह दो ब्रांच डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट निकल रही है और नोड बन रहा है तो ये आपको ध्यान में रखना है नोड कब बनेगा जब ओरिजन पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दो आए और दोनों डिफरेंट आए तो नोड शेप बनेगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट है टू सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये भी हो सकता है दो टेंजेंट बने पर दोनों सेम बन जाए तो इफ देयर आर टू सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजन ओरिजन पर कर्व की दो सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है तो कर्व विल बी ए कस्प शेप कप्स कस्प कैसी शेप होती है स्टूडेंट इस तरीके से इस तरीके से ये शेप होगी कस्प और टेंजेंट हमेशा इसके बीच में आएगा यानी कि टेंजेंट बीच में रहेगा और इस ब्रांच की वजह से भी यही टेंजेंट बनेगा और इस ब्रांच की वजह से भी यही टेंजेंट बनेगा इट मीन्स कस्प इस शेप में आएगा जैसे ग्रास हो दिखाते ना हम इसे ड्राइंग बनाते समय तो इस ग्रास शेप में बनेगा और टेंजेंट बीच में आएगा ही अगर हो सकता है ऐसे भी बन सकता है अगर टेंजेंट की इस तरीके से कुछ आ रही है जो बीच में लाइन बने तो ऐसी आ रही है तो यानी कि हमेशा अगर कस्ब से बनना है तो कर्व को ड्रॉ करने के लिए पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लो और उसके दोनों साइड एक एक ब्रांच निकाल दो तो वो कर्व का कर्व पता लग जाएगा अगर नोड बन रहा है ओरिजिन पर तो ठीक है तो देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं स्टूडेंट तो ये कह रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब ये कोई कर्व है तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ने, नेचर एट ओरिजन देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले ओरिजन पर कर्व पास होकर जाता है या नहीं जाता है, ये चेक करेंगे तो जीरो जीरो अगर हम रखें एक्स जीरो वाई जीरो दोनों तरफ तो लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं वाई जीरो रखने पर जीरो आएगा राइट साइड से भी एक्स जीरो रखने पर वैल्यू जीरो ही आएगी तो दोनों साइड से वैल्यू इक्वल आ रही है तो इसका मतलब जीरो जीरो कव की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सेटिस्फाई uh, कर रहा है तो पुटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो तो हम टेंजेंट एट ओरिजन निकालने का ट्रिक अभी जान चुके हैं ओरिजन सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजन पर नेचर चेक करने के लिए पहले टेंजेंट एट ओरिजन निकालना होगा और उसके लिए हमने डिस्कस किया कि लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के इक्वल रख देते हैं तो इस इक्वेशन में सबसे कम डिग्री की टर्म कौन सी दिख रही है तो वाई स्क्वायर हम देख रहे हैं टू डिग्री की टर्म है एक्स क्यूब यहाँ पर थ्री डिग्री की टर्म है तो लोएस्ट डिग्री की टर्म हमारी हुई वाई स्क्वायर तो स्टूडेंट वाई स्क्वायर को हमने जीरो

कस्प सेफ रखेगा यानी कि ऐसे ग्रास ही निकलेगी अब हमेशा मैंने बताया कि कस्प किस डायरेक्शन में बनेगा जो आपका टेंजेंट आया पहले उस टेंजेंट को ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू जीरो आई थी y इक्वल टू जीरो मतलब एक्सएक्स तो हमने ओरिजिन पर इसकी x एक्सिस ड्रॉ कर दी तो x एक्सिस ड्रो करने के बाद इधर भी हो सकती है और इधर भी पर वो नेचर कह रहा है कि कर्व का कस्प बनेगा तो कस्प ओरिजिन पर बनने का मतलब ग्रास एक टेंजेंट बीच में आएगा और ब्रांच एक एक साइड आएगी इसके एक इधर और एक इधर एक्सिस के एक ऊपर एक नीचे तो कस्ब इस शेप में ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमें सब बातें सोच कर चलनी है कि कस्ब इधर भी बन सकता है यही पॉसिबिलिटी क्या कि एक्सएक्सिस वाई इक्वल टू जीरो लाइन बीच में आएगी टेंजेंट और ब्रांच इधर से इधर बन जाए पर उसके लिए एक नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कर्व इधर ब्रांच बनेगी ही नहीं कस्ब इधर ही बनेगा वो हम नेक्स्ट पॉइंट में अभी डिस्कस कर लेंगे कि इधर क्यों नहीं बना इस साइड क्यों नहीं बना इधर ही क्यों बना तो स्टूडेंट्स एक फिर केस ये बनता है केस ये बनता है ओनली वन टेंजेंट इक्वेशन एट ओरिजन ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स की ओरिजन पर कर्व का एक ही टेंजेंट है जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं ट्रेस द कर्व ए माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एक्स मान लीजिए एक मैंने पूरा क्वेश्चन ही ले लिया है जो अब तक के फैक्ट यूज हुए हैं वो सारे यूज करके हम इसे ड्रॉ कर लेंगे जिससे आपको फैक्ट भी दिमाग में बैठ जाएंगे साथ के साथ क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं और एक साथ आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी फिर तो समझने में एक एग्जाम्पल भी ले रहे हैं तो ट्रेस द कर्व ए माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एक्स इस स्टूडेंट को हम इस इस कर्व को हमें ट्रेस करना है स्टूडेंट्स तो ट्रेस करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमने जो स्टार्ट किया था क्लू फैक्ट उसमें था सिमेट्री सिमेट्री हमने टोटल फोर टाइप्स की डिस्कस की थी पहली एक्स एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट फिर देन सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट एंड देन सिमेट्री अबाउट वाई इक्वल टू एक्सलाइन तो एक एक करके हम दि -दि चेक करेंगे कौन कौन सी सिमेट्रीज में है तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्व की इक्वेशन में y की पावर सारी इवन है y की कोई भी टर्म अगर देखें तो एक ही टर्म है और उसमें पावर इवन है तो अगर इवन पावर है इस मेट में हम वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो मैंने बताया था वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो सिमेट्रिक किसके अबाउट होगी एक्सिस के अबाउट तो इसलिए ये कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हुआ क्योंकि वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मतलब कर्व जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा जस्ट वैसे ही उसकी मिरर इमेज नीचे बन जाएगी इससे हमें ये क्लू मिल रहा है अभी कर्व कैसा शेप रखेगा वो नहीं पता लगा है उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हम अगर देखें तो आ, बाकी तीन टाइप की सिमेट्री और होती है अभी हमने एक्स एक्सिस के अबाउट देखी ऐसी वाई एक्सिस के अबाउट तब सिमेट्री होगी जब एक्स की सारी पावर इवन होगी या एक्स को माइनस एक्स एक्से एक रिप्लेस करने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर यहाँ पर इक्वेशन में चेंज आ जाएगा तो इसलिए सिमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट भी नहीं है और हमने देखा था थर्ड था, टाइप की सिमेट्री अपोजिट क्वारेंट में वो कब होती है जब वाई को माइनस और एक्स को माइनस एक साथ रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन में कोई चेंज ना हो पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि वाई को माइनस वाई और एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करने पर इक्वेशन चेंज हो जाएगी दोनों तो एक साथ चेंजेस करने पर तो इसका मतलब सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट में नहीं है और लाइन के अबाउट टाइप की सिमेट्री होती है अगर वाई और एक्स को आपस में इंटरचेंज करने से इक्वेशन चेंज ना हो तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई लिख दिया जाए तो इक्वेशन बदल जाएगी इसका मतलब वो भी सिमेट्री नहीं है तो ओवरऑल हमारे पास सिमेट्री सिर्फ चारों में से एक ही टाइप की है वो भी कौन सी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस क्योंकि वाई

जीरो हो जाएगी तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब कर्व ओरिजन से पास होकर जाता है क्योंकि ओरिजन जीरो जीरो इसे सेटिस्फाई से कर रहा है उसके बाद हमने चेक करा था अगर ओरिजन से पास होकर जाता है तो कर्व का नेचर ओरिजन पर चेक करेंगे उसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे ओरिजन पर तो कर्व की इक्वेशन हमारे पास ये थी ये थी इसको हमने वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सारी टर्म सॉल्व करके लेफ्ट साइड ले आए उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगर टेंजेंट एट ओरिजन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट एट ओरिजन की तो उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के इक्वल रख देंगे तो इस कर्व की इक्वेशन में अब हम देख रहे हैं ये टू डिग्री की टर्म है ये एक्स इंटू वाई स्क्वायर ये थ्री डिग्री की टर्म है और ए स्क्वायर एक्स ये वन डिग्री की टर्म है तो हमने डिस्कस किया कि टेंजेंट एट ओरिजन पता करना है तो लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के इक्वल रख देंगे और लोएस्ट डिग्री टर्म की लोएस्ट डिग्री की सब जो पूरी की पूरी क्या बन रही है माइनस ए स्क्वायर एक्स तो माइनस ए स्क्वायर एक्स लोएस्ट डिग्री की टर्म है स्टूडेंट इसे हमने जीरो के इक्वल रख दिया तो यहाँ पर जीरो के इक्वल रखने पर आप देख रहे हैं इक्वेशन क्या बन रही है एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस इसकी टेंजेंट बन रही है कहां पर एट ओरिजिन पर ओरिजन पर सारा चेक चेक कर रहे हैं हम तो ओरिजन पर कर्व की टेंजेंट सिर्फ एक ही टेंजेंट आ रही है एक्स इक्वल टू जीरो तो ये ये वाला केस हुआ कि सिर्फ ओनली वन टेंजेंट है ओरिजन पर तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ओरिजन पर टेंजेंट लाइन एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि वाई एक्सिस बन रही है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो कर्व के ओरिजन पर यह लाइन वाई एक्सिस टेंजेंट लाइन बन रही है तो दो पॉसिबल केस है यानी कि कर्व ओरिजन पर कर्व को टच करके जा रहा है यानी कि ये टेंजेंट है वाई एक्सिस को टच करके जा रहा है कर्व तो इसका मतलब या तो इस तरीके से पॉसिबल होगा कर्व या इधर से कर्व पॉसिबल होगा दो में से एक पॉसिबिलिटी होगी सिंगल टेंजेंट है इसलिए इधर से या इधर से क्योंकि वाई एक्स टेंजेंट बन रहा है ओरिजन पर तो दोनों में से ये इस पॉइंट से ये कंफर्म हुआ कि कर्व ओरिजन पर या तो इस टाइप से बनेगा या इस टाइप से अब दोनों से किस टाइप से बनेगा या ये बनेगा ये बनेगा उसके लिए कंफर्मेशन के लिए हम ये चेक करेंगे नेक्स्ट पॉइंट रीजन वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट रीजन जहां पर कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा वो कैसे कन्फर्म करते हैं सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व को जो ये हमें कर्व की इक्वेशन दी है इसे सॉल्व कर लेते हैं किसी भी एक वेरिएबल के लिए y की वैल्यू के लिए या x की वैल्यू के लिए पर वो सॉल्व करो जिसके लिए वैल्यू सॉल्व करके अंडर रूट में आए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर है और इससे वैल्यू y की निकालें तो वो अंडर रूट में आ जाएगी तो y इज इकल टू ए अंडर रूट एक्स अपोन ए माइनस एक्स आ जाएगा अब हम ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं कि ये y की जो वैल्यू है वो इमेजनरी कब आएगी तो स्टूडेंट हम जानते हैं इमेजनरी वैल्यू तब आती है जब अंडर रूट में नेगेटिव आए तो ये नेगेटिव जब भी बनेगा अंडर रूट के अंदर वाली टर्म तब ये इमेजनरी आएगा और इमेजनरी आएगा तो इसका मतलब कोई रियल पॉइंट नहीं होगा और उस केस में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये इमेजनरी कब आएगा अंडर रूट में तो स्टूडेंट आप जान रहे हैं यहाँ पर जो न्यूमरेटर वाली टर्म है अगर इसको जीरो के इक्वल रखें एक फैक्टर करें फैक्टर को तो एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा तो एक वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो मिली और इसको जीरो रखें इस फैक्टर को a माइनस एक्स को तो एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस ए इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू तीन पार्ट में डिवाइड हो गई एक्स की दोनों वैल्यूज की वजह से पूरा जो एक्सिस है x की सारी वैल्यूज x एक्सिस पूरा थ्री पार्ट्स पार्ट में डिवाइड हो गई एक इधर एक इधर और एक इधर तो स्टूडेंट अगर हम x की वैल्यू a से ग्रेटर रखते हैं तो आप चेक करिए x a से ग्रेटर पहले हम चेक करेंगे x a से ग्रेटर में क्या केस बन रहा है तो x अगर a से ग्रेटर है तो यहाँ पर मान लीजिए x a से ग्रेटर में 2a रख देता हूँ तो ऊपर आपका 2a बनेगा जो पॉजिटिव है और नीचे रखेंगे तो a माइनस टू वो नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी ए अपॉन माइनस ए जो कि नेगेटिव आ जाएगी तो सॉल्व करके नेगेटिव वैल्यू आ रही है अंडर रूट में नेगेटिव है इसका मतलब इमेज नहीं रही आएगा इट मीन्स एक्स ए से ग्रेटर कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब अंडर रूट में नेगेटिव मतलब इमेजनरी इसका मतलब कर्व एक्सिस्ट नहीं करेगा किस केस में जब तक एक्स ए से ग्रेटर होगा उसके बाद हम स्टूडेंट देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ए और जीरो के बीच में कोई भी रखते हैं तो ए और जीरो के बीच में मान लीजिए ए बाई टू रखता है रखते हैं तो अगर हम एक्स बराबर ए बाई टू रखते हैं तो ये बाई की वैल्यू में यहाँ पर ऊपर ए बाई टू आएगा और नीचे ए माइनस ए बाय टू सॉल्व करके प्लस ए बाई टू आएगा तो ए बाई टू अपन ए बाई टू पॉजिटिव वैल्यू बन रही है यानी कि कर्व वै एक्सिस्ट करेगा इमेजनेरी वैल्यू नहीं बन रही तो इट मीनस जीरो और ए के बीच में तो कर्व एग्जिस्ट करेगा ए के इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा अब इधर का पोर्शन देख लेते हैं जीरो से लेस वाला पार्ट तो इसके जीरो से लेफ्ट साइड वाला पार्ट मान लीजिए एक्स की वैल्यू माइनस ए रख लेता हूँ इधर की तो माइनस ए अगर हम रखते हैं एक्स की वैल्यू तो ऊपर तो नेगेटिव आ जाएगा माइनस ए और नीचे रखेंगे तो ए माइनस माइनस ए तो ये प्लस टू ए नीचे आ जाएगा तो माइनस ए अपोन माइनस ए अपोन टू ए आ जाएगा जो कि नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कर्व इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा इट मीन्स कर्व सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करेगा कि इन बिटवीन जीरो और ए के तो यहाँ से हमें ये कन्फर्म हो जा रहा है कि वाई इज इमेजनरी फॉर एक्स लेस देन ए, ए एक्स की वैल्यू जी जीरो से छोटी है तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वाई इमेजनरी आ रहा है और एक्स ग्रेटर देन ए पर भी इमेजनरी आ रहा है इसका मतलब ये जो हमारे दो डाउट थे कि कर्व इधर से बनेगा या इधर से बनेगा वो कन्फर्मेशन के लिए वो कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि एक्स लेस देन एस एक्स लेस देन जीरो पर कर्व नेगेटिव वैल्यू रख रहा है वाई तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा इट मीन्स यहाँ पर ये जो पॉसिबिलिटी है ये वाली पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल है पर इधर वाली पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्स इस रीजन इसके कोरोस्पॉिंग एक्स नेगेटिव आ रहा है इस साइड और इ, इसके केस में वाई इमेजनरी आ रहा है यानी कि कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है इट मींस ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ से कन्फर्म हो गया क्योंकि नेगेटिव साइड कर्व एग्जिस्ट नहीं करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये वाली को पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है तो सिर्फ ये बनेगी तो अभी तक इस बात की शॉर्टी हमें हो गई है नेक्स्ट स्टूडेंट एक पॉइंट है कर्व को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एस टोट तो एस मतलब होता है वो लाइन जो कर्व की टेंजेंट पर इन्फिनेटी uh, पर टेंजेंट बनेगी यानी कि जिसको कर्व इन्फिनेटी पर जाकर मीट करेगा उस लाइन को एसएमट्रोट लाइन बोला जाता है कर्व के लिए तो यहाँ पर हम एस लाइन नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं तो यहाँ पर वाई की वैल्यू हमने सॉल्व करके स्टूडेंट निकाली थी ए इंटू एक्स अपोन ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट तो ये जो सॉल्व करके निकाली थी इसमें हम एग्जामिन करेंगे कि एक्स की क्या वैल्यू रखने पर वाई इमेजनर इन्फिनेटिव हो रहा है अगर एक्स की किसी वैल्यू के लिए वाई इन्फिनेटिव हो रहा है तो एक्स इक्वल टू दैट वैल्यू कर्व की एक एसम टोट लाइन बनेगी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स इक्वल टू ए रखने पर वाई इन्फ्रेटिव हो रहा है तो इसलिए एक्स इक्वल टू ए कर्व का क्या हो जाएगा एसम टोट हो जाएगा तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इतनी बात जान चुके थे कि कर्व का ओरिजिन पर एक ही टेंजेंट बनेगा तो कर्व ओरिजन पर टच करते हुए इधर से जाएगा या इधर से जाएगा उसके बाद हमने देखा था सिमेट्री अबाउट अप एक्स एक्सेज है तो जैसा ऊपर बनेगा वैसा नीचे बनना ही बनना है तो इस शेप में बनेगा टेंजेंट एट ओरिजन हमारी वाई एक्सिस आ रही थी तो इसका मतलब इधर से टच करेगा या इधर से टच करेगा ये डाउट आया था उसको हमने क्लियर कर लिया रीजन वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट है कि नेगेटिव साइड कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये वाला जो डाउट था हमारा ये खत्म हो गया कि नेगेटिव साइड कर्व नहीं बनेगा तो सिर्फ ये बना कि इस तरीके से बनेगा ये ऐसे आएगा अब बात आती है कि हमने देख लिया था कि x इक्वल टू ए के इधर भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा और x इक्वल टू ए कर्व की एस एम टोट लाइन बनेगी तो पहले x इक्वल टू ए लाइन हमने ड्रॉ कर ली ये कर्व की एस एम टोट लाइन है यानी कि इसको कर्व इन्फिनेटी पर मीट करेगा मीन्स जैसे जैसे इधर की तरफ को बढ़ेगा कर्व और y इन्फिटिव की तरफ को अप्रोच करता चला जाएगा तो इस तरीके से कर्व ऊपर की तरफ को जाएगा यानी कि इन्फिटी पर इसे मीट करता हुआ नजर आएगा और क्योंकि मिरर इमेज बननी है क्योंकि आप देख सकते थे फर्स्ट पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो जो ऊपर बना उसकी मिरर इमेज नीचे बन जाएगी तो वही बन गया इस तरीके से कर्व ट्रेस आउट हो जाएगा तो स्टूडेंट्स इस, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कर्व को ट्रेसिंग के लिए रूल्स हैं एक दो रूल्स और बचे हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस भी कर दिए कि वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट वाला पॉइंट तो इनको यूज करते हुए हम कर्व को ट्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट अभी थोड़ा बहुत और बचा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ और एग्जांपल्स इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है बीएससी और इंजीनियरिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये अगर आपको कर्व ट्रेसिंग नहीं आती है तो आप मल्टीपल इंटीग्रल में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे उसकी लिमिट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे हो सकता है आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप करें पैराबोला का हाइपर पैराबोला करे, का करें या स्ट्रेट लाइन का करें उनसे बाउंड होने वाला एरिया या सर्कल का फाइंड आउट करें तो वो आसानी से कर लेंगे बट अगर कोई थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एसएमटोट तो एस एमटोट और कर के बीच का पोर्शन का बाउंड्रेड एरिया फाइंड आउट करना है तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि इसका डायग्राम ही नहीं जानते और यहां से आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें एरिया का फार्मूला आपका क्या होता है डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई ये एरिया कार्टिशन फॉर्म में फार्मूला होता है पर इसकी लिमिट चाहिए होती है ओवर द रीजन आर जिस रीजन का हम एरिया निकाल रहे हैं तो अगर मैं इस रीजन का एरिया निकाल रहा हूं इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल रहा हूं तो मुझे लिमिट इससे निकालनी होगी यानी कि स्ट्रिप ड्रॉ करनी होगी इसमें पैरेलल टू एनी एक्सिस तो अगर मान लो अपर पार्ट का एरिया निकाल रहा हूँ तो स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर ले रहा हूँ तो लोअर एंड जिसे टच कर रहा है किसे टच कर रहा है एक्सिस को तो एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है वाई इक्वल टू जीरो वाई की लोअर लिमिट हो जाएगी इसमें डबल इंटीग्रल में वाई इक्वल टू जीरो और ऊपर वाला एंड स्ट्रिप का किसे टच करा है इस कर्व को और इस कर्व की क्वेश्चन से जो वाई आएगा वो वाई की अपर लिमिट हो जाएगी यानी कि वाई की लिमिट हो जाएगी अंडर एक्स यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए अंडर रूट एक्स अपोन ए माइनस एक्स ये वाई की अपर लिमिट हो जाएगी उसके बाद बात करें एक्स की लिमिट क्या करनी है तो स्ट्रिप इस इसे टच करते हुए नीचे एक्स एक्सिस को और ऊपर कर को टच करते हुए पैरेलल लेफ्ट में जहाँ तक जाएगी यानी कि ओ तक तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आ रही है ओरिजिन पर वो एक्स की लोअर लिमिट हो जाएगी कितनी जीरो और राइट में यानी दोनों को टच करते हुए कहाँ तक जाएगा यहाँ तक एक्स इक्वल टू ए तक तो एक्स की अपर लिमिट हो जाएगी ए तो स्टूडेंट इस, इस तरीके से ये लिमिट निकलेगी और फिर इंटीग्रेट करके एरिया हमें मिलेगा ये अपर पार्ट का मिलेगा टोटल का निकालना है तो हम उसका डबल कर देंगे क्योंकि सिमेट्री है जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा तो अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब तक हमें यहाँ पर कब को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे तो एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन आ जाता है तो बिना ट्रेसिंग के नहीं हो पाएगा है ना उसका ट्रेसिंग के बिना लिमिट नहीं मिल पाएगी तो स्टूडेंट्स इसीलिए ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम्स में बीएससी और इंजीनियरिंग में दोनों इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में उनकी ट्रेसिंग हम डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो को अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अगर किसी को डाउट हो तो दोबारा दोबारा रिपीट कीजिए क्योंकि हो सकता है किसी को एक बार में समझ में ना आए दिक्कत हो सकती है थोड़ा टफ टॉपिक है पर मेरे हिसाब से इतना सब डिस्कस करने के बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को अगेन अगेन एक दो बार रिपीट करके देखिए आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी आज के लिए इतना ही